जब मौला की बारी आई तो वो तख्ते तख्त नशीन हुए, मौला बैठे जिसकी शान में नबी फरमाते हैं मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इसमें ऐसा कोई लफ्ज फारसी या अरबी का ऐसा कोई लफ्ज नहीं है कि जिसमें जिसका मतलब ये बन जाए कि हुजूर फरमाते थे जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त, दोस्त वाला इसमें मानी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यही मानी है मन कुंत मौला फहाजा अली मौला, मन कुंत मौला, कि जब खुदा की जात ने कुन कहा था मैं उस वक्त भी मौला था। मन कुंत मौला फहाजा अली मौला, तो अपने मौला को देख के हुजूर मिंबर क्या अर्ज करता है, मुझे तो कोई अली सा, मुझे तो कोई अली सा नजर नहीं। बाजू भी है वजीर भी है अली अमीर भी है और दस्तगीर भी है, नबी का कुव्वत बाजू भी है वजीर भी है। अली तो काबे में बैठा भी है मुसीबत या अली कहना ही पड़ता है। मुझे तो कोई अली सा नजर नहीं आया, मुझे तो कोई अली सा नजर नहीं आया। खुदा गवाह है, खुदा गवाह अर्ज कर रहा है मौला से कि मौला नबी के बाद में अक्सर उदास रहता था, नबी के बाद में अक्सर उदास रहता था, नबी के बाद में अक्सर उदास कसम है अपने पीरों मुर्शिद की, आप यहां बैठे हैं ये स्टेज नहीं है, ये वलियों का मिंबर है, ये वलायत का मिंबर है। आप इस जगह को देख लें कि आपको कितनी उदासी नजर आएगी। इनकी इज्जत इनकी शान इनका मकाम अपनी जगह पे है, लेकिन ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ के आपके बड़े बाबा छोटे बाबा यहाँ नहीं हैं।
तो ये भी रब से कुछ कह सकता है। इसी तरह वो रसूल का मिंबर था, वो खुदा का तख्त था, जो अर्श बरी है, जो अर्श है वो खुदा का तख्त है जहां खुदा बैठता है, कि खुदा महदूद नहीं। लेकिन डिक्शनरी के लफ्ज के हिसाब से जो अर्श है वहां खुदा का तख्त है, जो अर्श बरी है वो खुदा का घर है। तो खुदा तो एक ही है, वहदुल्ला शरीक, ये भी मारफत है फकीरों की। नबी के बाद मैं शरीक उदास रहता था, नबी के बाद मैं शरीक उदास रहता था, मगर खुदा की कसम, मगर खुदा की कसम, अब नहीं देखिए तो कम से कम, मगर खुदा की कसम, अब नहीं हरी की कसम, देखिए तो कम से कम। अली जो चाहते तो ये, अली जो चाहते ये सीना भी मिट जाता, पे गौर किया आपने कि अगर मौला चाहते हजूर के बाद अपने मौला के बाद तो ये फासला खत्म हो जाएगा। आली जो चाहते तो, आली जो चाहते तो ये फासला भी मिट जला बेकम रो
कमीस में ओ अस्तर जनाब कंबर बूजर कमीस में ओ अस्तर ये खुश नसीब है।